नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जिसके ऊपर एक बड़े इन्वेस्टर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। बहुत ज्यादा का मतलब है उनके पोर्टफोलियो का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसी कंपनी के ऊपर किया है। तो पहले दो बात समझ लीजिए, कोई बड़े इन्वेस्टर कुछ कोई कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, इसको देखकर डायरेक्टली कल ही जाकर बाय मत कर लेना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कंपनी में सही में क्या उतना ग्रोथ है, फ्यूचर में क्या उस सेक्टर का ग्रोथ होने का चांसेस है। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसको देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ इस सेक्टर में कितना पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। तो सबसे पहले मैं बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और कंटिन्यूसली इस तरीके से क्वालिटी कॉन्टेंट और अपडेट पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। और आज को आप कौन सा कंपनीज के ऊपर इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट करके लिख सकते हैं। तो मैं जिस इन्वेस्टर के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है बिजॉय केडिया जी। आप सभी जानते हैं बिजॉय केडिया जी के बारे में। तो वो उन व्यक्ति का जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग लेवल का है और इतने बड़े इन्वेस्टर है जो कोई भी कंपनी के ऊपर, अगर कोई छोटे स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर उनका निवेश हो जाए तो उसका डायरेक्टली अपर सर्किट आपको देखने को मिल जाएगा, इतना बड़ा उनका दम है। तो उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी के ऊपर निवेश किया है उसके बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले कंपनीज के ऊपर निवेश करने से पहले, मतलब बात करने से पहले, मैं उस सेक्टर के ग्रोथ के बारे में चर्चा करूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, बिजनेस लाइंस के ऊपर एक अपडेट आया था कि इलेक्ट्रिक जो थ्री व्हीलर्स है उसका मार्केट लगातार बढ़ते चले जा रहा है और प्रोडक्शन मोर देन डबल ऑन द रेजिंग डिमांड। डिमांड इतना ज्यादा बढ़ रहा है जिसका लगातार ग्रोथ होते चले जा रहा है। देखिए 2022 में जनवरी के डेटा के हिसाब से बताया जा रहा था कि 7,500 करोड़ के आसपास टोटल डिमांड था, टोटल मैन्युफैक्चरिंग हुए, और वही 2023 में एक साल के बाद वो डबल हो चुके हैं 16,500 करोड़ के आसपास। मतलब कितना ज्यादा जो थ्री व्हीलर्स प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिमांड बढ़ रहा है, आप सोचिए। इंडिया में जितने सारे ईवीज गाड़ियां है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां है, वो सारे गाड़ियों में अगर ध्यान से देखेंगे, एक डेटा में आपको दिखाऊंगा, उसके हिसाब से कहा गया कि इलेक्ट्रिक जितने सारे थ्री व्हीलर्स मेकिंग कंपनी है उसके सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है, 50% से भी ज्यादा सेल्स का ग्रोथ हुआ है। तो सोचिए कितना हाई ग्रोथेबल सेक्टर है। तो इसका ग्रोथ लगातार बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि गांव गांव से लेकर शहर तक हर जगह पे आपको ईवीज जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैं आपको बता दूं, एक डेटा है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां है थ्री व्हीलर्स का, उनमें से जो सेल्स है उस सेल्स का डेटा आप देखेंगे तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में 2023 में जनवरी मंथ का सेल था 76%। देखिए कंटिन्यूअसली 80%, 84%, 70%, 72% इस तरीके से करते करते टोटल साल भर में कंपनी के जो सेल हुआ 72%। तो सोचिए 72% का ग्रोथ हुआ थ्री व्हीलर्स मार्केट में। अभी इंडिया में जो ईवी सेगमेंट है उसमें कितना ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं, वहां पे ग्रोथ हुआ 55% के आसपास। तो सोचिए टोटल ईवीज मार्केट में ग्रोथ हुआ 55%, उनमें से थ्री व्हीलर्स का ग्रोथ हुआ 72%। तो कहां से कहां तक जर्नी हुआ आप देख सकते हैं। मैं इस सारे पॉइंट्स क्यों शेयर करूं, थोड़ी देर में ही आपको पता चल जाएगा और एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए ऑल ओवर जो 40 इलेक्ट्रिक मतलब थ्री व्हीलर्स मेकिंग कंपनी है तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अक्टूबर के डेटा के हिसाब से एक डेटा मुझे मिला जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो इंडिया में जितने सारे थ्री व्हीलर बेचने वाला कंपनी है उनमें से टॉप लेवल में कौन है, महिंद्रा। तो महिंद्रा सबसे नंबर वन में है, उसके बाद देखिए बहुत सारे अलग अलग कंपनी है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा वो कंपनी और कोई नहीं है, उसका नाम है अतुल ऑटो, जो कंपनी करीबन 4,600 के आसपास टोटल सेल्स यहाँ पे देखने को मिला। तो साल भर में 4,600 का सेल्स कोई कम नहीं है। तो इस कंपनी के बारे में आज चर्चा करूंगा क्योंकि जिसका नाम है अतुल ऑटो। देखिए अतुल ऑटो हर मतलब जो फ्यूल्स है, जितने सारे कैटेगरीज फ्यूल है उसके ऊपर कंपनी का ऑटो बिजनेस कर रहा है, मतलब उतना उस कैटेगरीज के ऑटो कंपनी बेच रहा है, चाहे वो पेट्रोल के ऊपर हो, चाहे वो डीजल के ऊपर हो, चाहे वो ईवीज के ऊपर हो, हर कैटेगरीज के आपको ऑटो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कंपनी एक मुझे लग रहा है कि हाई ग्रोथेबल कंपनी है, फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ होने का कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि ऑटो का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि गांव से लेकर शहर तक
हर जगह पे छोटे रास्ते से लेकर बड़े रास्ते में आपको ऑटो देखने को मिल जाएगा। तो इस ऑटो पहले सीएनजी, एलपीजी और साथ ही साथ देखा जाए तो पेट्रोल डीजल से भी चलते रहते थे, आज इसको सारे के सारे ईवीज में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्योंकि बिजनेस के हिसाब से बात करूं तो कंपनी का टोटल जो मार्केट कैप है 1000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। ऑब्वियसली डेटा बहुत पुराना है, ये बहुत बड़ा हो चुके हैं, मैं अभी दिखाऊंगा। कंपनी टोटल टॉप 5 थ्री व्हीलर्स कंपनी में कंपनी के टॉप 5 रैंकिंग में खुद का नाम दाखिल करा चुके हैं। 15 जो कंट्रीज है तो 15 कंट्रीज में कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं और 3 कॉन्टिनेंट्स में कंपनी का प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। और सबसे ग्लोबली मार्केट में कंपनी का 600 फीट मतलब टच पॉइंट्स है, ये बहुत शानदार बात है। और साथ ही साथ कंपनी देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पेट्रोल के ऊपर भी है, डीजल के ऊपर, एलपीजी, सीएनजी और इलेक्ट्रिक हर कैटेगरीज के जो गाड़ियां है वो कंपनी बना रहा है। तो शायद मुझे इसीलिए लग रहा है कि अतुल ऑटो के ऊपर इतने बड़े निवेश और विजय किडे जी ने करके रखे हैं। 1 मिलियन से भी ज्यादा व्हीकल्स कंपनी बेच चुके हैं, ऑब्वियसली डेटा पुराना है, और 15 अलग अलग मॉडल्स है इस कंपनी का, 320 टच पॉइंट्स है। और साथ ही साथ कंपनी का बिजनेस में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, अभी देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स क्या बता रहा है। देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल के बारे में बात करूं तो सबसे पहले कंपनी का मार्केट शेयर आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए मार्केट शेयर के बारे में बात करूं तो थ्री व्हीलर्स का मार्केट शेयर 2.12% के आसपास है। थ्री व्हीलर्स जो कार्गो व्हीकल्स है, जितने सारे कार्गो टाइप कैटेगरीज है उसमें से 10% के आसपास कंपनी का मार्केट शेयर है। थ्री व्हीलर्स जो पैसेंजर व्हीकल्स है उसके ऊपर 5% के आसपास कंपनी का मार्केट शेयर है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस कंपनी का, वो है कंपनी का ग्रोथ। तो ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, देखिए कंपनी का ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हो रहा है। आरओसी आरई अभी उतना खास देखने को नहीं मिला, फिर भी नेगेटिव था उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, और नेट प्रॉफिट जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, और डेप्थ उतना भी ज्यादा नहीं है, 0.50 के नीचे है, तो एक अच्छी बात है। और रही बात इस कंपनी के में, अगर क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट अगर बात करूं तो सेल्स लगातार एक पॉजिटिव मूवमेंट में है। जो 2006 में 10 साल पीछे चले जाएंगे तो 129 करोड़ के आसपास सेल्स था, वो बढ़ के हो चुके 500 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, बीच में 2 बार लॉस किया था, वो कोविड के सिचुएशन में कंपनी का लॉस हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे करके फिर से कंपनी रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। एक पॉजिटिव कंपनी के पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को आपको भूलना नहीं चाहिए। बाकी कंपनी का सेल्स का ग्रोथ नेगेटिव है, प्रॉफिट का ग्रोथ भी नेगेटिव है, करंट ईयर में पॉजिटिव है, बाकी कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया। देखिए रिटर्न देख के कुछ फायदा नहीं है, कंपनी का बाकी परफॉर्मेंस आपको देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं मानता हूँ बहुत रिस्की कंपनी है, बहुत सारे पॉइंट्स अभी भी नेगेटिव है, मगर फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा है। तो मैं देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं विजय किडे जी ने निवेश किया इसलिए मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ रखा हूँ। बाकी आपका ओपिनियन क्या है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि आप स्मार्ट है, स्मार्ट तरीके से काम करिए। कंपनी के जो बोरिंग्स है वो इस बार थोड़ा सा कर्जा लिया गया और 136 करोड़ के आसपास, बीच में कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं था, 0 कर्जा था। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर खुद के जो बिजनेस है उस बिजनेस के ऊपर कंपनी के इस बार ट्रेड मिला करीबन 28 करोड़ के आसपास, पिछले बार 27 करोड़ 20 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला था, इस बार 28 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला। और कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के बारे में बात करूं तो म्यूचुअल फंड के पास 0 होल्डिंग था, आज वो 0.25% के आसपास होल्डिंग है, और एफएस के पास ना के बराबर होल्डिंग है। पूरा का पूरा माल किसके पास है, पब्लिक और प्रोमोटर, तो प्रोमोटर के पास 42% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 56% होल्डिंग है। अगर यही पब्लिक के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो पब्लिक के अंदर किसका नाम दिखेगा, केडिया, विजय केडिया जी का जो 18% होल्डिंग है, उसके साथ साथ विजय केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर 2.71% का होल्डिंग है, मतलब उनके जो होल्डिंग है वो करीबन करीबन 20% के ऊपर, तो 20% के ऊपर भी कंपनी का होल्डिंग विजय किडे जी के पास ही है। तो अगर इस कंपनी विजय किडे जी का टोटल पोर्टफोलियो देखे तो देखिए सबसे ज्यादा होल्डिंग्स अतुल ऑटो के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा, जो 7% के आसपास था आज बढ़ के हो चुके 18% के आसपास, तो एक अलग लेवल का कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला है, और मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिले, और उस बेसिस में कंपनी के आगे बढ़ने का चांसेस भी मुझे लग रहा है पॉजिटिव है। बाकी देखिए ये रिस्की कंपनी है, बिल्कुल रिस्की कंपनी है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स अभी भी नेगेटिव है, कंपनी का पॉजिटिव होने में टाइम लगेगा। और बाकी चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं, मैं 1 मंथ की चार्ट पैटर्न आपको दिखा रहा हूं। देखिए जिस तरीके से कंपनी रिकवरी किया, देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हो उसके बाद देखिए ऊपर साइड में गया, उसके बाद देखिए रिकवरी किया, और देखिए ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बना, एक बिग कप बना, और यहाँ पे छोटा सा अगर हैंडल बटन क्रिएट कर दे, मान के चलिए यहाँ पे
जो पैटर्न स्केड हुआ वो कुछ इस तरीके से पैटर्न बना, एक कप जैसे पैटर्न बना। मैं एक बार आपको मार्किंग भी कर देता हूँ और भी आपको आसानी होगा। तो यहाँ पे एक कप बना, और कप बनने के बाद अगर यहाँ पे कुछ हैंडल पैटर्न क्रिएट करे और उसके बाद ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा धमाका आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ और इसी को मैं अगर ऊपर साइड में बिठा दूँ तो करीबन करीबन जो जो एक लेवल बन रहा है वो 83% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं उस टारगेट को लेने के लिए जरूर इंतजार करूंगा। मेरे पास इस कंपनी के कुछ क्वांटिटीज ऑब्वियसली है, मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। विजय केडे जी ने निवेश किया, इसके बेसिस में मैंने निवेश नहीं किया। मुझे इस कंपनी के कुछ फ्यूचर विजन अच्छा लगा तो इसलिए मैंने निवेश किया। आपके क्या सही में इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं आप, जरूर मुझे कमेंट्स करिए। क्योंकि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके ओपिनियन के हिसाब से निवेश करिए, मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल करना आपके हाथ में है और मेरा काम है सारी चीजों को आपके साथ शेयर करना। आप किस कंपनी के ऊपर इस तरीके से इन डेप्थ डिटेल्स देखना चाहते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।